ओम नमस्ते जी। आज हम योग ग्राम में होने वाले यज्ञ चिकित्सा के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। यज्ञ वै श्रेष्ठतम कर्म। आइए हम यज्ञशाला की ओर प्रवेश कर रहे हैं। इतना सुंदर यहाँ का दृश्य है, वातावरण भी औषधि युक्त है और यहाँ पर दूर दूर से स्वास्थ्य साधक गण उपचार के लिए यहाँ आते हैं। ये यज्ञशाला है। आइए हम आगे बढ़ते हैं यज्ञशाला की ओर। यज्ञशाला क्रमांक एक, यज्ञ का समग्र प्रभाव यहाँ पर, उसके प्रभाव को, यज्ञ के प्रभाव को दिखाया भी गया है। यज्ञशाला नंबर एक है और यह है यज्ञशाला क्रमांक दो। यहाँ पर होम नश्य होता है और रोगानुसार यज्ञ चिकित्सा का भी यहाँ पर इमेज डला हुआ है। हर रोगों के लिए अलग अलग औषधि के माध्यम से यज्ञ चिकित्सा दिया जाता है। प्राणेष्ठि, मेधेष्ठि, पित्तेष्ठि, वातेष्ठि, कफेष्ठि, चर्मेष्ठि, प्रारब्धेष्ठि, हृदयेष्ठि, मधुष्ठि, गोखरू खास से लेकर के अलग अलग कर्कटेष्ठि, संततिष्ठि, मूलेष्ठि और ऐसे होम नश्य में अलग अलग या को पूरी डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है रोगानुसार यज्ञ चिकित्सा का। सबसे पहले स्वास्थ्य साधक आते हैं और अपने पर्ची यहाँ पर दिखाते हैं और यहाँ पर परामर्श दिया जाता है। फिर उसके बाद वो यज्ञशाला जिस क्रमांक में भेजते हैं वहाँ पर स्वास्थ्य साधक जाते हैं, पर होम नश्य होता है और अभी थेरेपी ले रहे हैं। रोगानुसार यह है होम स्नान पुरुष के लिए और इधर महिला के लिए है। यह यज्ञशाला क्रमांक तीन है, कराया जाता है विशेष औषधियों से। तो योग ग्राम में विशेषकर साइंटिफिक एविडेंस के साथ यहाँ पर यज्ञ चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। यज्ञशाला क्रमांक चार, ऐसे ही देखिए परितः यज्ञशाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यज्ञशाला क्रमांक पाँच है और कफेष्ठि सामग्री, गुग्गल, कपूर, चर्मेष्ठि सामग्री ऐसे यहाँ पर अलग अलग यज्ञशाला में रोगानुसार हवन सामग्री से थेरेपी दिया जाता है। वादिष्ठि सामग्री गुग्गुल, तिल तेल, प्रारब्धिष्ठि सामग्री गुग्गुल, दिव्यष्ठि घी, ऐसा ये अज्ञात बीमारियों के लिए प्रारब्धिष्ठि हवन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो स्वास्थ्य साधक गण यहाँ पर यज्ञ थेरेपी, यज्ञ चिकित्सा यहाँ पर उसका लाभ ले रहे हैं। यज्ञशाला क्रमांक सात, यहाँ पर कैंसर के रोगियों तथा गांठ में लाभप्रद और उसके लिए करके चेष्ठी सामग्री तथा संतति इष्ठी सामग्री गुग्गल घी ऐसे अलग अलग रोगानुसार यहाँ पर थेरेपी हवन सामग्री से थेरेपी दिया जाता है। और ये है यज्ञशाला क्रमांक सेवन। हम पहुँच चुके हैं यज्ञशाला क्रमांक आठ, यज्ञ चिकित्सा। सभी यज्ञशाला में विशेषकर यहाँ पर जानकारी भी लिखा हुआ रहता है और यहाँ पर स्वास्थ्य साधक गण यज्ञ करते हैं, यज्ञ के उपरांत प्राणायाम करते हैं और इस प्रकार
जिज्जसाला क्रमांक 9 में हम हैं यहाँ पर। और पहले स्वास्थ्य साधक गण यज्ञ करते हैं, फिर यज्ञ के उपरांत उस स्थान पे बैठ करके प्राणायाम करते हैं। जैसे यहाँ पर प्राणायाम करते हैं तो लंबी गहरी सांस लेते हैं और बैठे रहते हैं तो लेते सांसों पे ध्यान देते हुए आंखें बंद करके बिल्कुल ध्यान पूर्वक एक योगी की तरह बैठ के अपने स्वास्थ्य की साधना करना है। आप सभी आप यहाँ स्वास्थ्य साधन किया है अपने स्वास्थ्य की साधना करने के लिए तो साधना यज्ञशाला क्रमांक ये 10 है। यहाँ पर हवन सामग्रियाँ उपलब्ध रहता है, यहाँ से स्वास्थ्य साधक गण अपने सामग्री ले सकते हैं। तो स्वास्थ्य साधक गण यहाँ से हवन सामग्री खरीदते हैं, उसके बाद उपचार कराते हैं। इस प्रकार योग ग्राम में यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से स्वास्थ्य साधक गण लाभ ले रहे हैं।